बज चुके हैं 11, 11 बजने को आए हैं। और आज के दिन की आपको अपडेट दे देते हैं, और लंच वगैरह सब कुछ मैंने बना लिया है, आपको चलते हैं किचन। और यहाँ पे मैंने दाल और राइस और मक्की सब्जी और रोटी बना के तैयार कर दी है, और आप देख सकते हैं। और किचन भी मैंने पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो इतना काम हो चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे, सही से होंगे और मज़े में होंगे अपने अपने घर में। तो शुरू करते हैं आज का दिन। बच चुके हैं एक, और हम लंच वंच करके सब कुछ फ्री हो चुके हैं, और अभी दिया भी आ जाएगी और आज झील भी आ रही है, उसे उसे लेने जाएंगे। शायद 2-2.5 बजे तक पहुंच जाएगी। अभी मैंने कॉल किया था तो पहुंची थी वो सूरत। सो सुबह 6:30-7 बजे से निकली है, अहमदाबाद गई थी, अहमदाबाद से आ रही है। सो 2:30-3 बजे वो पहुंच जाएगी, सो उसको लेने जाएंगे। और ऐसा ही कुछ रहा आज का दिन। तो आज क्लाइमेट भी थोड़ा सा क्लाउडी है, क्योंकि पता नहीं बारिश जैसा कुछ है। और कल शाम को तो इतना ठंडा पवन आ रहा था कि कहीं बारिश हुई होगी ना, ऐसा पवन आ रहा था ठंडा। और मैंने सुना भी है कहीं कहीं बारिश हुई है जयपुर वगैरह। सो इस सीज़न का भी कुछ नक्की नहीं है, ठंडी है या गर्मी है या बारिश है, तो ऐसा कुछ है अभी। अभी तो देखिए आप, ठंडा पवन है और एकदम क्लाउडी हो गया है। बाहर आते हैं तो ठंडी लगती है, घर में गर्मी लगती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पवन है, तुलसी जी भी हिल रहे हैं। मैं जा रही हूँ झील को लेने, उसका कॉल आया, अभी वो पहुंचने वाली है। सो चलिए उसे लेके आते हैं, और दिया उसकी वेट कर रही है, कब आएगी आंटी। सो फटाफट से लेके आते हैं, और वो अपना पेपर लिख रही है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से। मैं आ गई हूँ झील को लेने के लिए बस स्टैंड में, वेट कर रही हूँ, बस अभी आती होगी, शायद आ गई। आप देख सकते हैं पीछे पोपट हो चुका है, उस बस में नहीं थी झील, और एक मात्र अहमदाबाद लिखा हुआ था तो उसमें भी नहीं थी। शायद ये पीछे आ रही है, इसमें हो सकती है। आ गई है झील। हेलो पहुंच गए सामान के साथ। हेलो एवरीवन, आज 2 दिन के बाद आपसे मिल रहे हैं। सो बीच में जा रही हूँ बाजार में, कुछ सामान वगैरह लेना है, इसलिए शाम को सैंडविच बनानी है, इसलिए उसका सामान लेना है, तो चलते। तो हेलो एवरीवन, आ चुके हैं किचन में डिनर बनाने के लिए, और डिनर में आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ चिली सैंडविच। सो आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रिपरेशन हमने की है और क्या क्या बाकी है। यहाँ पे अनियन थोड़े से कट कर लिए, अभी इसे चॉपर में हम कट कर लेंगे, और कैप्सिकम डालेंगे, टमाटर डालेंगे और सॉस डालेंगे। हाय झील, हाय, चलो आ जाना सैंडविच खाने। हाँ, अनियन तीखी है क्यों? हाँ, बहुत ज्यादा रोना आ गया। सो अभी फटाफट से कर लेते हैं, बाद में आपसे मिलते हैं, क्या क्या करते हैं वो दिखाते हैं आपको। हेलो गाइस, वेलकम, मैं नीचे से खेल के आ गई हूँ, तो देखते हैं अभी मम्मी खाने में क्या बना रही है। हेलो मम्मी। हाय मम्मी, आज खाने में क्या बनाया? सैंडविच। आंटी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? चटनी। ऐसा चल रहा है। तो मैं अभी नीचे से क्या करूँ? तो है ना। सो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं हमारी सैंडविच चीज चिली। विद्या को बिठा देंगे हम, उसे भूख लगी है। सो और ये है इसका मिक्सचर, इसमें अनियन है, कैप्सिकम है, और ग्रीन चिली है, और चीज़ है। सो इसको हम ब्रेड में भर देंगे, और ये चटनी बनाई है स्पेशल उस पर लगाने के लिए। सो अभी ये लोटम में रख देंगे बेक होने के लिए।